वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेड बाय कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करना, कुछ ऐसे मेथड का यूज करना टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कर सके किसी भी वुमेन को, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्टिव के अलग अलग मेथड कौन से होते हैं, मेनली थ्री मेथड होता है। सबसे पहला हो गया, जैसे पहला हो गया बैरियर मेथड, और दूसरा हो गया केमिकल मेथड, और तीसरा हो गया सर्जिकल मेथड। ये तीन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिसका यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक या कुछ ऐसे मेथड का यूज करना जिससे हम प्रेगनेंसी से प्रिवेंट रह सकते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव हैव थ्री मेथड, तीन मेथड होते हैं बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के दो एग्जाम्पल बताने। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब ऐसी डिजीज जो ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्स के कॉन्टैक्ट में आने से जब डिजीज ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और दो नाम लिखने हैं इसके, तो सबसे पहला हो गया एड्स, दूसरा क्या हो गया सिफिलिस। एक क्या हो गया एड्स, दूसरा क्या हो गया सिफिलिस। ये दोनों कैसी डिजीज होती है, ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है बाय देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय अ यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है। यूनि नाम से पता चला, यूनि का क्या मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, और बाई का मतलब क्या होता है टू, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, मींस स्टेमेन भी प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम भी प्रेजेंट होता है और गायनोसियम भी प्रेजेंट होता है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते, उसे कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा, मींस मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। और जिसके अंदर या तो एंड्रोसियम होगा या तो गायनोसियम होगा, मींस या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, या हम शॉर्ट फॉर्म में बोले या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। The next question is, what is pollination? How many type of pollination? Pollination क्या होता है? Pollination कितने types के होते? Pollination का मतलब होता है transfer of pollen grain from anther to stigma. पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होना, पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा, एंथर से उसके स्टिग्मा पे जाएगा। पॉलन की डहजेंस कहाँ से होती, पॉलन रिलीज कहाँ से होता, पॉलन रिलीज होता है एंथर से, और एंथर से पॉलन किस में जाता है स्टेमन में जाता है, किस में जाता है स्टेमन में जाता है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू देयर स्टेमन इज नोन एज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन उसी को कहते हैं। और प्लांट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है प्लांट में पॉलिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज पॉलिनेशन विल टेक प्लेस इन फ्लावर, क्यों होता है पॉलिनेशन प्लांट में या फ्लावर्स में, इसलिए होता है अगर उनके अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तब तक उसके अंदर सीड फ्रूट और लीव्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते, पॉलिनेशन आर मेनली टू टाइप्स, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर, फ्लावर भी सेम और प्लांट भी सेम। जैसे ये सनफ्लावर है, इसमें जो है एक फ्लावर है, सनफ्लावर में एक फ्लावर है, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन।
फ्लावर भी सेम है और प्लांट भी सेम है, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन, नाम से पता चला क्रॉसिंग होना मीन्स डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक हमने ले लिया सनफ्लावर और दूसरा ले लिया रोज, अब इस सनफ्लावर के एंथर से रोज के स्टिग्मा पे जब पॉलिन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट और सेम फ्लावर में, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये डिफरेंस होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फूड चेन क्या होता है, उसके एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करना। फूड चेन मींस एक चेन के फॉर्म में फूड क्या होगा, ट्रांसफर होगा, उसे कहते हैं फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कोई प्लांट है इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे इकोसिस्टम पे जितनी भी स्पीसीज होती हैं सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होती है, प्लांट पे। तो प्लांट को जैसे ईट किसने किया, प्लांट को ग्रास ऊपर ने ईट किया, किसने ईट किया, ग्रास ऊपर ने। और इस ग्रास ऊपर को कौन ईट करेगा, फ्रॉग। और उसके बाद इस फ्रॉग को कौन ईट किया, सपोज करते स्नेक, स्नेक को ईगल ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेबर से दूसरे ट्रॉपिक लेबर में फूड का ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे कि प्लांट को, प्लांट के ऊपर फीड कौन कर रहा है, ग्रास ऊपर टोटली डिपेंडेंट किस पे, फूड के लिए, प्लांट के ऊपर। अब फ्रॉग किसके ऊपर फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर। फ्रॉग फूड कहाँ से ले रहा है, ग्रास ऊपर से। स्नेक फूड कहाँ से ले रहा है, फ्रॉग से ले रहा है। और ईगल फ्रूट कहाँ से, फूड कहाँ से ले रहा है, वो स्नेक से ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, फूड का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसे कहते हैं फूड चेन। एक चेन के फॉर्म में जब फूड ट्रांसफर होगा वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज फूड चेन। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट इज वॉट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। हम लोग कैरेक्टर रिसीव करते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं, तब क्या होता है वेरिएशन होता है उनके बेबीज में। तो हम कैरेक्टर कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से रिसीव कर रहे हैं। तो यही जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में, उनकी ऑफस्प्रिंग में, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब किसी चीज का ट्रांसफर होना, कोई चीज जा रही है, क्या जा रहा है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में, क्या जा रहा है, कैरेक्टर जा रही है, हम बोले ट्रेड जा रहा है, उसे कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन में डिप्लेशन क्यों हो रहा, मींस ओजोन में कंटिन्यूअस होल किसकी वजह से हो रहा। ओजोन में होल हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीएफसी। अब ये सीएफसी गैस प्रेजेंट किस में होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर से ही सीएफसी गैस रिलीज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारी जो ओजोन की लेयर है वो कंटिन्यूअस उसमें क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, उसमें होल हो रहा है, जिसकी वजह से स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब इसका काम क्या होता है, ओजोन लेयर, ओजोन जो है वो प्रिवेंट करता है किससे, जो हमारे सनलाइट मीन जो सन्स होती हैं उनसे जो हार्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन की जो लेयर होती वो प्रिवेंट करती उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। किसको प्रिवेंट करती है, हमारी अर्थ को प्रिवेंट करती है। और जब इसमें ओजोन में कंटिन्यूस होल होते जाएगा तो इससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उस लेयर से पास हो जाएगी और जो स्पीसीज सरवाइव करती उनको वो क्या होंगी, हार्मफुल होंगी। तो मेन ओजोन डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सीएफसी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज किससे होता है, रेफ्रिजरेटर, या हम शॉर्ट फॉर्म में से बोले तो फ्रीज से रिलीज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 10% लॉ क्या है। अभी हमने जैसे ये फूड चेन पढ़ा है तो इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो यही जो 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है उसे बोलते हैं 10% लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What do you mean by vegetative propagation? Vegetative propagation का क्या मतलब होता है? Vegetative propagation का मतलब होता है जैसे plant का कोई भी x part हम लेंगे और क्या कराएंगे, हम उससे multiple plant की growth कराएंगे. Means अगर हमें leaf मिल गया या stem मिल गया या plant का हमें root मिल गया, इन तीन में से कोई एक part में भी हमें मिल जाए तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जैसे एक पोटैटो हमें अगर मिल गया, उसमें क्या होता है, जहां से उसकी आइज ओरिजिनेट होती वहीं से उसकी कटिंग की जाती है. एक पोटैटो को चार पार्ट में काट दिया जाता, डिवाइड कर दिया जाता, फिर उसको जो है सॉइल में डाल दिया जाता, उससे क्या होता, उसी एक पीस से मल्टीपल पोटैटो का फॉर्मेशन हुआ. हमें एक एक्स पार्ट मिला था पोटैटो का, मीन्स हमें आई मिला था, आई से हमने क्या किया, प्लांट उसकी ग्रोथ कराई पोटैटो की. इस तरीके से बहुत सारी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कोई भी एक्स पार्ट हमें मिल जाए उससे हम क्या कराते हैं, मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते हैं. तो यही जो एक्स पार्ट से, प्लांट के एक्स पार्ट से हम क्या करें, मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. The next question is, write the example of some barrier method and explain it. Barrier method के example लिखने, barrier method में दो आता है, एक आता है condom, दूसरा आता है diaphragm. Condom का use male करते हैं to cover their penis और diaphragm का use female करती है to cover their cervix, या हम बोले vagina, ताकि जो है इससे क्या हो सके, पेनिस कवर कर ले ताकि स्पर्म का रिलीज ना हो पाए, इससे ये अपना वजाइना और ये तो सर्विस कवर कर लेती ताकि ओवम का, मींस ओवम ट्रांसफर ही ना हो सके, मींस ओवम किसी भी तरीके से स्पर्म और ओवम की मेटिंग ना हो सके. ये दोनों क्या करते हैं, मिलके बैरियर प्रोवाइड कराते हैं टोटली, ताकि स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मीट ना कर पाए. और जब तक दोनों की आपस में मीटिंग नहीं होगी तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा. तो बैरियर मेथड में दो आते हैं, कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है. कॉन्डम का यूज मेल करते टू कवर देयर पेनिस, डायफ्राम का यूज फीमेल करती टू कवर देयर सर्विक्स और द वजाइना. दोनों बैरियर प्रोवाइड करते हैं, किसमें बैरियर प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म और ओवम की, ताकि आपस में मेटिंग ना हो सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता, बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉन्डम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सम, वॉट इज रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस न्यू बॉर्न बेबी, अपनी जैसी ही एक नए बॉर्न बेबी को, अपनी जैसी एक नए संतान को प्रोड्यूस करना, न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो स्पीसीज मींस पॉपुलेशन के नंबर्स कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं होंगे, डिक्रीज ही होते जाएंगे. तो इससे क्या होता है, ये इवोल्यूशन भी क्रिएट करता है, रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन भी क्रिएट करता है और नंबर्स भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. एंड रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. व्हाट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो गैमेट्स मींस दो इंडिविजुअल से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ टू पेरेंट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हो गया डिफरेंस किसके किसके बीच में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में. यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा क्वेश्चन, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस. कभी भी अगर डिफरेंस लिखना हो तो डिफरेंस लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक तरफ हम लिखेंगे एसेक्सुअल, एक तरफ हम लिखेंगे सेक्सुअल. अभी मैंने बात किया कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम एग्जांपल भी ले सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कौन कौन सा हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया जैसे बडिंग किस में होता, हाइड्रा में होता, अमीबा हो गया, प्लास्मोडियम हो गया, स्पाइरोगेरा हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इस दो डिफरेंस बहुत
है। अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो हम दो डिफरेंस लिखेंगे, तीन नंबर का क्वेश्चन है तो तीन डिफरेंस लिखेंगे, इससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता है। उसके बाद हाँ चलो तीन नंबर का आया तो तीन डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो एक डिफरेंस हम ये भी लिख सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी वेरिएशन क्रिएट नहीं करता है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन विल बी क्रिएटेड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और लिख सकते हैं हम, पहला डिफरेंस क्या हो गया, नए ऑफस्प्रिंग का बनना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से नए ऑफस्प्रिंग का बनना प्रोड्यूस होना उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हो गया जैसे कैट डॉग ह्यूमन बींग एप्स, ये सब के अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स। क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, नाम से पता चला टिश्यू कल्चर मींस किसी भी टिश्यू को एक कल्चरल सॉल्यूशन में जब उसकी ग्रोथ कराते उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, जैसे प्लांट का उसमें क्या है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से हम टिश्यू को कट कर लेते हैं, और टिश्यू को कट करने के बाद हम क्या करते हैं एक वेसल्स के अंदर, और उस वेसल में क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होगा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, और उसी प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में हम उस जो ग्रोइंग टिश्यू को हमने कट किया था उसको उस कल्चर सॉल्यूशन के अंदर क्या कराएंगे, उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखो नाम से, नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है, टिश्यू हमने टिश्यू को लिया था और एक कल्चर सॉल्यूशन में उसकी ग्रोथ कराई थी, तो क्या हो गया टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट के टिप पोर्शन से टिश्यू को लिया जाता है और उसको कल्चर सॉल्यूशन के अंदर उसकी ग्रोथ कराई जाती है, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन अ पाउच लाइक बैग, टेस्टिस जो है पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है मींस टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का बताने का आंसर मतलब सेम ही है कि टेस्टिस मेनली तुम्हें यही बताना है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन 100% चांसेस है कि पूछा ही जा सकता है। तो ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रॉटम, क्या बोलते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में क्यों प्रेजेंट होता है, टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है जिसकी वजह से बॉडी अगर उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रॉटम टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि टेस्टिस को टेम्परेचर कितना चाहिए, टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए एक एवरेज लिख सकते हैं हम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर अगर टेस्टिस को मिलेगा तो नॉर्मली उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ताकि इजिली उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन हम ध्यान से समझना सुनना कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन मतलब जैसे हर एक ओवम हर मंथ रिलीज होता है, तो जब ओवम रिलीज होता है उस समय यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, प्रिपेयर कैसे करता है, प्रिपेयर ऐसे करता है कि वो उसका जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से टोटली फिल्ड हो जाती है, किससे फिल्ड हो जाती है ब्लड वेसल से। तो जब ये ओवम रिलीज होता हर मंथ में, जब जब ओवम पहली बार रिलीज होता है तब क्या होता है, जैसे रिलीज हुआ ओवम अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, बट अगर रिलीज ओवम मींस ओवम जो रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, ओवम तो ब्रेक डाउन हो गए साथ साथ में जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन होने के बाद अब वो ब्लड वेसल से फिल्ड थी तो ब्लड वेसल तो ब्रेक डाउन हो गया टूट गया, अब क्या होगा उसी वजाइना से ब्लीडिंग होती, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था ब्लड वेसल से उस ओवम को रिसीव करने के लिए, ओवम तो रिलीज हुआ अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है तब तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, बट अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है और वजाइना से ब्लीडिंग होती, उसी प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है।
मेंडल ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो किस पे बेस्ड था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो किस पे बेस्ड था? डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंस होते हैं, मींस डोमिनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और किसी को भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देते। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, कुछ स्पीसीज मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं और हमेशा उन्हीं का कैरेक्टर ही क्या होता है, एक्सप्लेन होता है, मींस एक्सप्रेस होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना किसकी हेल्प से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लेंगे सबसे बेस्ट तरीका होगा। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी तो उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था और सिंगल कैरेक्टर था क्या? स्टेम की हाइट। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट में जैसे कुछ टॉल होते कुछ कैसे होते डॉर्फ होते, तो सबसे पहले मेंडल ने टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई थी? डॉर्फ के साथ कराई थी। टॉल क्या हो गया? ये डोमिनेंट हो गया, तो कैपिटल टी लेंगे। डॉर्फ क्या है? रसीब है, तो स्मॉल टी लेंगे। जैसे कैपिटल टी आए स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आएंगे? टॉल आएंगे। फिर मेंडल ने कहा सारे प्लांट तो टॉल आ रहे, कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा, फिर मेंडल ने इसकी क्या करा दी? सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। तो जो रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी हम आपस में क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया? टॉल। ये क्या है? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। ये क्या है? डॉर्फ। तो कितने आए? 3:1। 3 प्लांट कैसे आए? टॉल आए। एक क्या आया? डॉर्फ आया। 3 प्लांट आर टॉल एंड 1 प्लांट इज डॉर्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डोमिनेंट है, जिनका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जिनका ट्रेड एक्सप्रेस हो रहा है, बाकी रिसीव का नहीं एक्सप्रेस हो रहा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहने का मतलब यही है कि कुछ एलील्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं और वही हमेशा अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते और किसी को भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देते। तो अब अगर ऐसे आए क्वेश्चन तो मतलब एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इस तरीके से पूरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में 3 नाम आते हैं। सबसे पहला कौन कौन से मेथड आते हैं? सबसे पहला हो गया जैसे कटिंग, नेक्स्ट इज लेयरिंग, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या किया, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम को कट कर लिया जाता है और उससे क्या कराते हैं, हमने प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। जैसे रोज हो गया, इसमें क्या किया था? रोज प्लांट में क्या किया था? उसके स्टेम को कट किया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सॉइल में उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं कटिंग। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? ऐसे जैस्मिन हो गया, जैस्मिन बहुत सारी ब्रांचेस उसकी होती है, तो उसमें से कोई एक ब्रांच ग्राउंड से टच करती है, फिर उसमें रूट का ओरिजिनेशन होता है और उसी रूट से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल प्लांट का फॉर्मेशन। जैसे उस ब्रांच में मतलब रूट ओरिजिनेट हुई, फिर लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर और भी ब्रांच ओरिजिनेट हुई, उसमें से रूट का फॉर्मेशन हुआ, लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, एक ब्रांच से ही मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ हो गई, उसे कहते हैं लेयरिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम दो प्लांट लेते हैं, दो अलग अलग प्लांट हमने लिया। सपोज हमने एक एप्पल लिया और एक हमने मैंगो ले लिया, एप्पल लिया मैंगो लिया, तो क्या किया, एप्पल के मतलब ऐसे कटिंग करती है, एक प्लांट की कटिंग हम ऐसे करेंगे जिसके अंदर रूट होगा और एक प्लांट का शूट पोर्शन लेंगे। तो एप्पल का सपोज हमने रूट पोजीशन ले लिया और मैंगो का हम क्या लेंगे, उसका शूट पोजीशन लेंगे, मीन्स उसका टॉप पार्ट लेंगे, उसका दोनों को फिर क्या करेंगे, हम टाइटली बाइंड कर देंगे, फिर इससे क्या होगा, नया प्लांट मतलब जो नई स्पीसीज बनेगी उसमें दोनों वेरिएशन मतलब दोनों वैरायटी के प्लांट का ओरिजिनेशन होगा, दोनों वैरायटी के फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में 3 आते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पहले तो हम समझेंगे डीकंपोजर होता क्या है। डीकंपोजर्स ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस मीन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजिली हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट उसे इजिली मतलब डिजॉल्व कर सके,
इजली वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाएं, उसे कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर की तरह एक्ट कौन करता है? बैक्टीरिया करता है और फंगी करता है। डिकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अगर बैक्टीरिया और फंगी इस इकोसिस्टम में नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा और वो हार्मफुल पहुंचाएगा, पूरी तरीके से हार्म करेगा। किसको? हमारे इन्वायरमेंट को। जैसे प्लास्टिक की कोई भी चीजें होती है, कोई भी उसका सामान होता है, वो साल, दो साल, दस साल तक भी वो डिकम्पोज नहीं होता, तो वो क्या करता है? वो हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर दे और वो हमारे एनवायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर अगर इस इकोसिस्टम में नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे एनवायरमेंट के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फूड वेव? फूड वेव क्या होता है? फूड वेव का मतलब होता है जब एक ही स्पीशीज पे मल्टीपल स्पीशीज डिपेंडेंट होंगी फॉर द पर्पस ऑफ फूड। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को ईट करने वाले बहुत सारी स्पीशीज होंगी, 6-7 से ज्यादा स्पीशीज होंगी। तो प्लांट पे फीड करने वाली बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब प्लांट को जो खा रहा है, जैसे ग्रास ऊपर को खाने वाले बहुत सारी स्पीशीज होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड वेव में एक चेन तो चलती है, चेन फूड चेन हो गया, वो चेन के फॉर्म में चल रही है। बट फूड वेव में मतलब एक ब्रांच के फॉर्म में चलती है, मींस एक ही स्पीशीज को खाने वाली मल्टीपल स्पीशीज होती, उसे कहा जाता है फूड वेव। The next question is, what is implantation? Where does embryo were implanted? Implantation क्या होता है और embryo का implantation होता कहाँ पे है? Means embryo कहाँ पे implant होता है? Implantation का मतलब होता है जैसे जाइगोट का formation सबसे पहले होता है, फिर वो जाइगोट क्या करता है? Divide करता है, फिर embryo का formation होता है। यही embryo जब uterus की wall से जाके attach हो जाता है, uterus की endometrium wall से जाके attach हो जाता है और वो lady pregnant हो जाती है, उसे कहते हैं implantation। Means अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और यूट्रस की जब हम वॉल लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंडोमेट्रियम, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल पे ही जाके इम्प्लांटेशन होता है, वो इनर वॉल से ही जाके अटैच होता है। अब पता ही चल गया हमें कहाँ पे हो रहा है इम्प्लांटेशन, यूट्रस में हो रहा है। यूट्रस की कौन से लेयर में इम्प्लांटेशन हो रहा है? दैट इज इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड होते हैं उनका नाम लिखना, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आ गया कॉन्डम और डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर देयर पेनिस, डायाफ्राम का यूज फीमेल करती है टू कवर देयर वजाइना और द सर्विक्स। ये क्या करता है? स्पर्म नहीं रिलीज होने देता है, और ये ओवम, मीन्स ये दोनों मिलकर स्पर्म और ओवम में बैरियर प्रोवाइड कराते, मींस दोनों को आपस में मीटिंग ही नहीं होने देते। ये हो गया बैरियर मेथड। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम से पता चला किसी स्पेशल ड्रग या हार्मोन का यूज करना। केमिकल मेथड में क्या यूज किया था? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक और वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिक। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड जो होता है ये एक स्पेशल केमिकल से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं स्पर्मिसाइडल बोलते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक भी स्पेशल हार्मोन से बना हुआ होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सब ओवुलेशन नहीं होने देते, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते। नेक्स्ट लास्ट इज लास्ट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो आता है, ट्यूबिकोटॉमी और वैसिकोटॉमी। वैसिकोटॉमी का यूज मेल में किया जाता है, ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल में किया जाता है। वैसिकोटॉमी में जो है क्या किया जाता है, वास डिफेंस को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है ताकि ओवम जो है बाहर, सॉरी ताकि जो है स्पर्म बाहर ना सके। और ट्यूबिकोटॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया ताकि वहां से ओवम बाहर ना आ पाए। मीन्स बाहर का मतलब जैसे वहां से उस पोजिशन में फैलोपियन ट्यूब से और कहीं ना आ पाए जहां पे दोनों आपस में एक दूसरे से मेट कर पाए, दोनों की मीटिंग को ही स्टॉप कर दिया जाता है। ये तीन थे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स होते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का आपस में फ्यूजन होना, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर मेनली टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बॉडी के इनसाइड
और बॉडी के आउटसाइड मींस अगर मदर के वूम में बेबी का डेवलपमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के बाहर अगर बेबी का डेवलपमेंट होगा उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मदर की बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होना उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर बेबी का डेवलपमेंट होना उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है? टिश्यू कल्चर का एडवांटेज ये होता है कि जो है हम बहुत कम समय में मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, और जो नया प्लांट बनता है वो डिजीज फ्री होता है, उसको कोई भी डिजीज नहीं रहती है। और इस मतलब जो नया प्लांट हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, इस प्लांट का यूज जो है हम बहुत सारे मेथड के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए, हम बायोलॉजिकल टेक्निक के लिए जो है इसका यूज कर सकते हैं, और स्पेस भी बहुत कम लगता है इसकी ग्रोथ कराने के लिए। ये सारा एडवांटेज था किसका, टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवम का रिलीज होना उसे कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? ओवम का रिलीज होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इस बार का बोर्ड का पेपर ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और इस पैटर्न से यही क्वेश्चन, मैं नहीं कह रही मैं सेम क्वेश्चन पूछाएगा, बट इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इस बार का बोर्ड का पेपर अच्छा ही अच्छा हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।